क्या तस्वीरें मोहित खान के जो अवैध कब्जे उसके खिलाफ बुलडोजर चलने की खबर है, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए अनुराग, जेसीबी मशीन पहुंच गई है, पॉकलैंड मशीन पहुंच गई है और चारों कोनों पे, जहां जहां ये इमारत के चार कोने उस पर एक एक मशीन को यहां पर रखा गया है और अभी थोड़ी देर में एसडीएम की अगुवाई में ये पूरा बुलडोज करने का एक्शन शुरू होगा। ये तालाब जो सामने नजर आ रहा है, ये तालाब की जमीन थी, ग्राम पंचायत का ये तालाब था, नगर पंचायत का ये तालाब था और उस पर कब्जा करके जो इमारत है वो खड़ी की गई थी। जांच रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आने के बाद अब इस पर एक्शन शुरू हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले नोटिस दिया था और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बैंक भी थी, कुछ एक की दुकानें थी, वो सामान आज निकलवा लिया गया है। मोहित खान की बेकरी से भी एसडीएम की इजाजत के बाद वहां के पड़ोसियों ने, मोहित के पड़ोसियों ने वहां से सामान शिफ्ट किया है, अपने अपने घरों पर वो सामान ले गए और अब थोड़ी देर में देखिए आप देखेंगे पुलिस अफसर ऊपर पहुंचे हैं, एक एक दुकान को चेक किया जा रहा है, कहीं किसी का सामान तो नहीं रह गया है। और ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद ये जेसीबी लगाकर इस पूरी इमारत को, दो मंजिला इमारत बिल्कुल रोड पर है और पीछे जो तालाब है उसकी जमीन पर कब्जा करके ये इमारत जो खड़ी की गई थी उस पर एक्शन लिया जा रहा है और थोड़ी देर में जेसीबी कार्रवाई शुरू होगी और लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा इस पूरी इमारत को बुलडोज करने में। एहतियाती तौर पर यहां से जो बिजली की लाइन जा रही है उससे भी कट कर दिया गया है, उसे भी काट दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। और मौके पर पीएसी कर्मी भी तैनात है, पुलिस बल तैनात है, कई थानों के पुलिस फोर्स को बुलाया गया था, चूंकि भदरसे में मामला तनावपूर्ण है तो ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज ना करे उसका भी खास बंदोबस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है जी। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई शुरू होगी और देखिए ये तीसरी जो जेसीबी मशीन है वो भी इस यहां पे आ गई है और अब एसडीएम की जो अगुवाई में थोड़ी देर में ये कार्रवाई शुरू होगी और 3 से 4 घंटे में जो यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है जिसमें अपराधी को बख्शा नहीं जाता, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसकी संपत्ति का जांच कराई जाएगी, जांच में जो फैक्ट सामने आते हैं अगर अवैध अतिक्रमण है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। एक लंबा सिलसिला रहा है बीते 2017 के बाद से अनुराग, यही तस्वीर उत्तर प्रदेश की देखी गई है कि सबसे पहले अपराधियों का जो अपराध जो आर्थिक नेटवर्क होता है उस पर हमला किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है ताकि उन्हें कहीं से ताकत न मिलने पाए जिसके चलते वो गुनाह की दुनिया में अपने आप को दोबारा स्थापित करें। मनीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं एक बार फिर से, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, छतरपुर में भी बुलडोजर एक्शन। ये बुलडोजर एक्शन क्यों, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल कल मुस्लिम डेलीगेशन थाने में ज्ञापन देने पहुंचा था, अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, थाने पर पथराव हो गया था, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद थाने पर पथराव कर दिया गया। अब इसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए, उसके बाद की कहानी यह है, आप देखेंगे कि कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हालांकि किन किन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कितने बड़े दायरे में ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है जिसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मॉडल को मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूट होते हुए देखिए, ये शहजाद हाजी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कल जो पुलिस थाने पर पथराव हुआ था उस मामले में शहजाद हाजी आरोपी हैं और उनके खिलाफ कैसे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने। बड़ी बात यह है कि मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है वो ये साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में भी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कहा था और अब आप कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। मॉडल उत्तर प्रदेश का है, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, वहां पर बुलडोजर एक्शन मोहित खान के खिलाफ, 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोपी है मोहित खान, समाजवादी पार्टी का नेता, वहां के सांसद का करीबी, उसके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर, यहां पर ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कौन से धर्म, कौन से संप्रदाय या पंथ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर होगी। और इस तरह के बुलडोजर एक्शन से होता क्या है, दरअसल इस तरह के बुलडोजर एक्शन से जो आरोपी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट जाती है। बड़ी बात यह कि इस तरह के मामलों में पहले यह चिन्हित किया जाता है कि कितना हिस्सा जो है वो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और उसके बाद सरकार की ओर से इस तरह की कार्रवाई होती है। और यह एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कानून हाथ में लिया तो इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा। कई बार देखने को मिलता है कि अपराधी सालों साल अपराध करते हुए इस तरह की संपत्तियों का निर्माण करते हैं और ऐसे में सरकार की यह नीति, चाहे वो मध्य प्रदेश में देखें चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखें, और शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, आपको याद होगा बिकरू कांड, वहां पर विकास दुबे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया था, पुलिस की हत्या की थी, कई पुलिस वालों की हत्या की थी विकास दुबे ने, फिर उसके बाद इधर उधर भागता फिर रहा था,
लेकिन उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर मॉडल को एग्जीक्यूट किया और वो सिलसिला जारी है। मोहित खान की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अवैध ठिकानों पर कैसे बुलडोजर चल रहा है वो हमने आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाई, और ये आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है। कल यहां पर छतरपुर में पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया था, तब बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस वाले सब जब सुरक्षित नहीं है तो कैसे लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन पहुंचा था थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए, इधर पुलिस वाले शिकायत लिख रहे हैं उधर पुलिस थाने पर हमला हो जाता है, और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इंटेंट एकदम क्लियर है, मुख्यमंत्री अपना विजन एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किस स्वरूप में की जाएगी उसकी ये तस्वीर इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने। 46 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है जो नामजद हैं, और अज्ञात 150 लोगों के खिलाफ इस छतरपुर वाले मामले में FIR दर्ज की गई है, और अब इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा और गिरफ्तारियां होंगी तो तस्वीरें और बड़ी होंगी, कार्रवाई और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, अयोध्या रेप कांड पर बुलडोजर एक्शन, और अयोध्या रेप कांड क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आज कोलकाता की बात कर रहे हैं, हम आज महाराष्ट्र के बदलापुर की बात कर रहे हैं। यहां समाजवादी पार्टी के नेता और उसके साथियों पर आरोप लगा था कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए यह आरोप लगा समाजवादी पार्टी के नेता पर कि उसने परिवार की आवाज दबाने की कोशिश की। खबरें तो यह भी आई कि मासूम प्रेग्नेंट भी थी, और उसके बाद परिवार बिलखता रहा लेकिन अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल वहां मोहित खान की तरफ से लगातार किया जाता रहा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन में है तो एक्शन कैसे लिया जा रहा है वो पहली तस्वीर। मोहित की संपत्तियों पर इससे पहले भी बुलडोजर चल चुका है, इससे पहले बेकरी पर कार्रवाई की गई थी, और अब आप ये जो देख रहे हैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की जा रही है, बताया जा रहा है कि इसमें मोहित खान के भाई का भी कुछ हिस्सा है, और अब यहां पर कैसे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है इसकी तस्वीर, पहली तस्वीर लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, लेकिन यहां पर भी बुलडोजर एक्शन है, और बुलडोजर एक्शन के बाद कैसी कार्रवाइयां हैं या कैसी तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये दो बड़ी तस्वीरें, और इन दो बड़ी तस्वीरों के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि एक डर लोगों के मन में होगा, क्योंकि सरकारों की कोशिश यही है कि अपराधी समझें कि सरकार किस हद तक किस लेवल तक जाकर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अपराध से पहले डर बैठाना जरूरी है, अपराध के बाद तो कानूनी कार्रवाई होती है लेकिन अपराध से पहले डर बैठे, उनके मन में ये बात समझ में आए कि इस तरह के आर्थिक कमर तोड़ने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं और शायद उससे कहीं अपराध पर लगाम लगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या रेप कांड को लेकर योगी सरकार का एक्शन सामने आ रहा है, आरोपी मोहित खान के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन की खबर है, आरोपी मोहित खान जिसने जिस पर यह आरोप है कि उसने एक लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, अपने रसूख का इस्तेमाल किया, परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश की, अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, पुलिसिया कार्रवाई तो हो रही है लेकिन इसके अलावा आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए उसके अवैध ठिकानों पर अवैध कब्जों पर एक्शन लिया जा रहा है। मनीष